Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we are going to cover up essay 315 together and also one important update that I have created a telegram group where I will be sharing with you all the notes and the video links whenever I upload a video. So you can join that group for more updates and the notes. Because I won't be giving the link of the notes in the description box of every video from now onwards, I'll be sharing the notes in the Telegram channel. So you can join that group for more updates. So uh, that link is given in the description box, the link of the Telegram group. So you can download the Telegram app and join the link. Okay, so let's start with the main topic of discussion, which is. Uh, एस एस थ्री हंड्रेड फिफ्टीन एस एस थ्री हंड्रेड फिफ्टीन का नेम ही हमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है क्योंकि इसका नाम ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नेम की बात करें तो नेम के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट मतलब आपको एंटिटी और उसके एनवायरमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट कर रही है उसको समझना है अच्छे से उसको समझने की वजह से क्या होगा उसके समझने की वजह से आप जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस हैं रिस्क हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और उनको इजीली आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है उन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को असेस करना है ठीक है अब असेस करने से क्या होगा असेस करने से आप अपने जो भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपको करने हैं किस लिए आपको ऑडिट एविडेंसेस ऑप्टेन करने हैं ऑडिट एविडेंसेस क्यों ऑप्टेन करने हैं क्योंकि आपको उन पर बेस्ड कंक्लूजन फॉर्म करनी है कंक्लूजन पर बेस्ड आप ओपिनियन फॉर्म करोगे ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो इसके लिए आपको ये सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ती है अच्छा जब आपको रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट्स पता चल जाता है ना तो आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का कितना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट रखना है ये भी बहुत अच्छे से समझ आ जाता है ठीक है तो हमें इसीलिए ये सब करना है ये तो हमें समझ आ गया करना क्या है एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना है और उसकी से हम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे ठीक है सबसे पहली बात आती है इस एस का स्कोप क्या है तो इस एस की क्या रिक्वायरमेंट है फ्रॉम दी ऑडिटर तो ऑडिटर से ये ऐसे रिक्वायर करता है कि ऑडिटर तीन चीज़ों का ध्यान रखे या रात तीन चीज़ें करें पहले दो तो वही है जो हमने इसके नेम में पढ़े अभी ऐसे का जो नाम है ना वही है क्या कि आपको एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है उसके एन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है उसकी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है जिसमें वो ऑपरेट कर रही है फिर देखना है कि कौन से कौन से रिस्क हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर एंटिटी पर एंड उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स चाहे फिर वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आपकी फ्रॉड की वजह से हो रही हों या फिर एरर की वजह से हो रही हों दैट इज़ नॉट रेलिवेंट किसी भी वजह से हो रही हो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेट असेस अब ये जो आइडेंटिफिकेशन करनी है असेसमेंट करनी है ये कौन से लेवल पर करनी है तो ये दो लेवल्स पर करनी है मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इन रिस्क का इन मटीरियल में से स्टेटमेंट्स का क्या इफेक्ट होगा वो भी देखना है और एक पर्टिकुलर असरशन लेवल पर भी देखना है एसर्सन लेवल का मतलब क्या होता है असरसन लेवल मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर से रिलेटेड कोई मटीरियल में से स्टेटमेंट होने के चांसेज हैं तो उसको भी आपको देख कर चलना है ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उस चीज़ का क्या इफेक्ट आ रहा है और एट अ सर्चन लेवल एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर अकाउंट बैलेंस पर उस चीज़ का क्या इफेक्ट आ रहा है इफेक्ट आ रहा है नॉट अफेक्ट इफेक्ट आ रहा है दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस आई होप वी आर डन वी आर क्लियर विद दिस और दीज टू पॉइंट स्टिल है थर्ड पॉइंट क्या बोला है जब आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली ऑप्टेन और आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट कर लिया अब आपको इन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स पर क्या रिस्पॉन्स देने हैं क्या जवाब देना है मतलब ऐसे आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है टू दीज रिस्क उन को आपको पहले क्या करना पड़ेगा डिज़ाइन करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये हम कहाँ पर सीखते हैं एस ए थ्री थर्टी के अंदर इसको कवर करते हैं ठीक है सो so, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर अराइज हो जाती है न एस ए थ्री हंड्रेड फिफ्टीन की ऑडिटर को रिस्पॉन्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्योंकि अब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को ना ही सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट करने से फ़ायदा होगा अनलेस एंड अनटिल आप उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स भी डिज़ाइन करते हो इम्प्लीमेंट करते हो सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू बी डन आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते नहीं तो फ़ायदा ही नहीं होगा राइट right. अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करते हुए आपको इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं एंटिटी के ये भी समझना है इंटरनल कंट्रोल्स को पूरी तरह से आपको नहीं समझना आपको उन इंटरनल्स को समझना है बेसिकली जो आपके ऑडिट को जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं क्योंकि आप इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिट करने थोड़ी ना जा रहे हो यू आर अ अटैटरी ऑडिटर नॉट एन इंटरनल ऑडिटर सो आपका पर्पस इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है नहीं ये चेक करना नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी इंटरनल कंट्रोल्स हाँ आपको वो इंटरनल कंट्रोल ज़रूर समझने की ज़रूरत है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं क्यों क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स पता होंगे कि इफेक्टिवली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उस बेसिस पर यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको एंटी यू ऑफ दर्डर प्रोसीजर्स कितना रखने की ज़रूरत है इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं काम अच्छे से हो रहा है तो आपको एंटी काम रखने की ज़रूरत होगी वहीं अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग करने की ज़रूरत होगी रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होंगे ठीक है सबसे पहला जो मेन टॉपिक हमारा इसमें आता है वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने ऊपर पढ़ा ना आइडेंटिफाई करो रिस्क को असेस करो तो अब रिस्क असेसमेंट किस तरीके से होगी उसका प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है वही एंटिटी को अंडरस्टैंड करो उसके इन्वायरमेंट को समझो और जिसमें आपके इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं जिससे कि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसज स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ असेस कर पाएँ एट बोथ दी लेवल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड दी असर्शन लेवल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा हमने ये तो बोल दिया कि ये प्रोसीजर करना है बट किस तरीके से करना है तो आपको इसको इंक्वायरी के थ्रू भी कर सकते हो इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू भी किया जा सकता है किस किस के थ्रू इंक्वायरी करके इंस्पेक्शन करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब आप जा जा कर इंक्वायरी कर रहे हो या फिर आप सीधा ही इंस्पेक्शन करने चले गए या आप खड़े होकर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट सिमिलरली आप कुछ अपने प्रोसीजर्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करके भी पता लगा सकते हो कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सभी तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स की अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑप्टेन करेंगे अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सी आई एस इन्वायरमेंट है मतलब कम्प्यूटराइज है कम्प्यूटराइज इन्वायरमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे काफ़ी सारे हार्डवेयर्स होंगे जिनको जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा जिसके अंदर डेटा होगा तो इसके लिए आपको क्या कर, करना पड़ेगा या कैसे आप अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर सकते हो तो उसको हम सबसे पहले कवर करते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है अगर मैं सी आई एस एनवायरमेंट के केस में बात करूँ अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कौन से प्रोग्राम्स कंपनी यूज़ कर रही है एंटिटी यूज़ कर रही है उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है उनको मेनटेन किस तरीके से किया जा रहा है है हाँ ना वही अगर मैं देखूँ सॉफ्टवेयर्स हैं सॉफ्टवेयर्स के लिए सिस्टम सपोर्ट क्या है किस तरीके से डेटा को सिक्योर किया जाता है किस तरीके से डेटा की प्रोसेसिंग होती है फ़िज़िकल सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है देखना पड़ेगा कि किस किस के पास इसको एक्सेस करने का राइट right है इस एक्सेस पर क्या रेस्ट्रिक्शन हैं क्या कंट्रोल्स हैं दिस वी ऑल नीड टू सी वेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी एंड इट्स इन्वामेंट कि किस तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम से काम हो रहा है कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट में काम हो रहा है किस तरीके से सिक्योरिटी को डेटा का एक्सेस डेटा का रिट्रीवल ये सब चीज़ें मेक श्योर की जाती हैं तो ये सभी देखना किस में पड़ेगा आपको सीआईएस एनवायरनमेंट एनवायरमेंट में क्योंकि सभी कुछ क्या है कंप्यूटराइज्ड है कंप्यूटराइज्ड है राइट right. अब आ जाते हैं कुछ जनरल बातों पर जनरल जैसे कि आप किसी भी एंटिटी में जाते हो तो आपको देखना पड़ेगा ना कौन सी इंडस्ट्री में है इसके ऊपर कौन से कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लाई हो रहे हैं कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सप्लाई हो रहे हैं किन किन चीज़ों से किन किन फ्रेमवर्क uh, से ये गवर्नड है देखना पड़ेगा इसके ऑपरेशन किस तरीके से हो रहे हैं ऑपरेशन का नेचर क्या है हु इज़ द ओनर ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है हु रिपोर्ट्स टू होम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करने में एंटिटी इंटरेस्टेड है या ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अभी तक कर रखी हैं एंटिटी ने किस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे भी काफ़ी पता चल जाता है कि आगे का उनका विजन मिजन स्ट्रैटजीज वगैरह क्या हैं ऑल्सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एंटिटी स्ट्रक्चर्ड है डेट बेस्ड है इक्विटी बेस्ड है किस तरीके से फाइनेंस हो रखी है लेवरेजेस कितने हैं दिस इज ऑल यू कैन डू वेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी तो ये कुछ तरीक़े हैं जिससे आप समझ सकते हो एंटिटी के बारे में ऑल्सो आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ किस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं फिर सिलेक्शन के बाद किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं हो सकता है कोई अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज किया हो अगर ऐसा किया है तो क्यों किया था वट वॉज द रीजन बिहाइंड सच चेंज यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेल परफॉर्मिंग ऑडिट ओके नेक्स्ट इज स्ट्रैटीज ऑब्जेक्टिवज़ मिशन वे सब आपको बताते हैं कि कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स क्या हैं जब हमें पता होता है कि इस बंदे के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स ये हैं तो हमें पता होता है ना किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं व्हाट आर देयर स्टेप्स व्हाट आर देयर वेज व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव जिसको वो अचीव करने के लिए स्टेप्स ये मेजर्स ले रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनका विजन ऐसा है उनका मिशन ऐसा है या उनके ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं तो उन सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड दी डिसीजन

ऑल्सो चेक करो कि आपके जो ऑडिट से रेलिवेंट ऑडिट से ही सिर्फ रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या कौन से कौन से इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाए हैं किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है उनसे क्या वो कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं नहीं हैं तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड दी एंटिटी एंड इट्स एनवाइट इंक्लूडिंग दी इंटरनल कंट्रोल्स राइट सो अभी हमने कौन सा टॉपिक किया अपना सेकेंड टॉपिक ये है पहले हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझा था फिर हमने समझा कि अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑप्टेन करेंगे अब एक टर्म तो ये था आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन में एक टर्म ये था कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसज स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई और असेस करना है तो बात आती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसज स्टेटमेंट क्या होता है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऑडिटर के ऊपर इस बात का देखो रिस्क है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी वो मटीरियली मिस थी फिर भी ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दी गलत ओपिनियन देने का रिस्क कब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिस स्टेटेड थी उस टाइम पर गलत ओपिनियन देने का रिस्क ही हमारा रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट बोला जाता है सो रिस्क दैट द ऑडिटर में एक्सप्रेस एन इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन बिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस स्टेटेड सो अब रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स के दो फंक्शन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एक फंक्शन है जिसके फर्दर दो कॉम्पोनेट्स हैं इस फंक्शन के दो कॉम्पोनेन्ट्स हैं क्या क्या पहला है इन्हेरेंट रिस्क और दूसरा क्या है कंट्रोल रिस्क तो अगर मैं इन्हेरेंट रिस्क की बात करूँ तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है विच इज़ देयर इन दी ऑडिट मतलब ऐसा है कि आप उसको कभी भी नो विच इज़ देअर इन दी ऑडिट क्यों उसका रीज़न समझते हैं देखो इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि किसी भी अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन या फिर कुछ भी बैलेंसेस में क्या चांसेस हैं कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो जाएंगी अगर हमारी एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स होते ही नहीं मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते एक पर्टिकुलर एंटिटी में तो क्या चांसेस थे कि इस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस का ट्रांजैक्शन का या फिर किसी भी पर्टिकुलर बैलेंस का मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाता इतनी ज़्यादा गलती हो जाती मटीरियल में से स्टेटमेंट हो जाती मटेरियलिटी हम ऐसे थ्री ट्वेंटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं अभी हम सिर्फ टर्म्स पर नहीं जाएंगे, जैसे जैसे ऐसे कवर करेंगे हमें समझ आ जाएगा वैसे आपको इन चीज़ों की नॉलेज ऑलरेडी होगी भी बट फिर भी नहीं है तो हम जैसे जैसे ऐसे इस कवर करेंगे आपको ये क्लियर होते जाएंगे टर्म्स ठीक है सो so, मटीरियलिटी के लिए अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एक पर्टिकुलर लेवल जिससे ऊपर अगर चीज़ होना जैसे बोलते नहीं पानी सर से ऊपर जा रहा है मतलब लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं मतलब मटीरियलिटी की तरफ आ रहा है तो आपने एक लिमिट सेट करी होगी इससे ज़्यादा है तो मतलब मटीरियल है ज़्यादा है ठीक है सो इनहेरेंट रिस्क का मतलब हो गया कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स होते नहीं मतलब अगर हमने कोई इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगाए होते इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस पर तो उस केस में क्या चांसेस होते कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाता तो इसको हम इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं वहीं अगर मैं कंट्रोल रिस्क की बात रिस्क का मतलब है कंट्रोल्स तो हैं एंटिटी के अंदर लेकिन वो कंट्रोल्स ऐसे हैं जो उनका काम है वो कर ही नहीं पा रहे उनका काम होता है कि वो कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने से रोक पाएँ रोक नहीं पा रहे तो एटलीस्ट जब हो गई हैं उनको डिटेक्ट करके करेक्ट कर ले बट अगर ऐसा वो काम कर ही नहीं पा रहे इंटरनल कंट्रोल्स तो ये आपका क्या होता है कंट्रोल रिस्क कि कंट्रोल्स होने के बावजूद आपका जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है आप उसको प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए सही समय पर टाइमली बेसिस पर करना ज़रूरी होता है जो काम जिस टाइम पर करना है वो उसी टाइम पर करना चाहिए ना अगर हम बाद में कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हो गया तो होने से पहले या फिर होने के जस्ट बाद उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो इसीलिए हमने दो कॉम्पोनेंट्स पढ़े रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट के क्या क्या इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क वन इज़ कि आपकी कंपनी के अंदर एंटिटी के अंदर अगर इंटरनल कंट्रोल्स होते नहीं तो क्या चांसेस थे रिस्क होने के ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स और दूसरा कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल्स तो हैं बट वो इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं हैं अब आ जाते हैं ये आप लोगों को जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने ऐसे ये जो भी एब्रीवेशन यूज़ करे हैं ना इन द नोट्स मैंने उनकी फुल फॉर्म ऊपर पेज के टॉप पर दे दी है जिससे कि अगर आपको कोई भी समझना आए तो आप रेफर कर सकते हो और इन केस कोई मुझसे मिस हो गया बाई चांस वैसे मैंने अवॉइड करने की कोशिश की स्टिल अगर से कोई मिस हो गया है तो आप वीडियो को देख सकते हो वीडियो में वो वर्ड कहीं ना कहीं आया होगा और आपको उससे समझ आ जाएगा ओके okay. सो so, नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने देख लिया हमें पता चल गया कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसे स्टेटमेंट क्या होता है अब हमें दे जानना है कि असेसमेंट ऑफ रिस्क कैसे करना है या कब करना है कहाँ पर करना है सो so, तो वो क्या करना होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को दो लेवल्स पर असेस करना होता है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वर्ड गलती से एक्सेस आ गया इट इज असेस ओके सो असेस दो लेवल्स पर करना होता है कौन से कौन से दो लेवल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात करें तो एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को Uh, कौन से कौन से रिस्क हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ऐसे कौन से रिस्क हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस या पर्टिकुलर कोई डिस्क्लोजर को अफेक्ट कर सकते हैं रिलेट करते हैं तो उनको हम असर्शन लेवल पर बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल मतलब एज अ होल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परवेसिवली अफेक्ट कर रहे हैं अब इसको मैंने पीछे आ, मतलब आगे के पेजेस में थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में तो हम साथ के साथ उसको कवर अप कर लेते हैं यू कैन फाइंड दिस टॉपिक हेयर आपको ये मिल जाएगा आफ्टर टू थ्री पेजेस और अदर फोर पेजेस के बाद आपको ये टॉपिक मिल जाएगा ओके असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे हम तो असर्शन लेवल तो बहुत ईजी है जब आपने किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्कलोजर्स के लिए रिस्क देख लिए जो उसको रिलेट करते हैं वो असर्शन लेवल वाले रिस्क होते हैं जो कि आपके क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का एक्सटेंट होना चाहिए नेचर होना चाहिए टाइमिंग होनी चाहिए उसको डायरेक्टली असिस्ट करते हैं बताते हैं कि आगे के प्रोसीजर्स किस एक्सटेंट तक किस एन टी ई तक आपको करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए और सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर यू कैन कंक्लूड एंड रीजनेबल कंक्लूजन डिराइव कर लो और उसके बेसिस पर ओपिनियन दे दो तो। सो so, ये तो हमारा हो गया असरशन लेवल पर अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में एट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल सो आपको देखना है कि क्या ये रिस्क आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परवेसिवली रिलेट करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है एंड क्या ये एक असर्शन नहीं असर्शन लेवल पर तो एक ही को अफेक्ट कर रहे थे या कुछ क्लासेस ऑफ असरशन्स को ट्रांजेक्शन्स वगैरह को कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर मैनी असरशंस को अफेक्ट कर रहे हैं मतलब बहुत सारी असरशंस ऐसा नहीं है एक आध से हो गया एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी सारी असरशंस को अफेक्ट कर रहे हैं वो रिस्क तो नहीं है देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर देखो कि क्या ये किस वजह से हैं बेसिकली ये रिस्क किस वजह से हैं अगर आपका जो कंट्रोल इन्वामेंट है जिस तरीके से वर्क करना चाहिए था जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के उसमें से एक कंपोनेंट होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट तो जो आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो डेफिशिएंट है तो उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है ना वो रिस्क उस वजह से अर्राइज़ हुआ तो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो किस वजह से रिस्क अर्राइज़ हो रहा है हो सकता है मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस लेवल अच्छी नहीं है बेकार है इस वजह से वो रिस्क राइज हो रहा है तो आपको ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है एज एन ऑडिटर ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उसी रिस्पेक्ट uh, में लेनी होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट से रिलेटेड होती हैं इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते वक्त हो सकता है आपको कुछ ऐसे डाउट्स रेज हो जाएं, डाउट्स अराइज हो जाएं आपके दिमाग में जिससे कि आपको लग रहा है कि ये तो ऑडिट करना ही नहीं चाहिए या ये ऑडिट करना चाहिए नहीं चाहिए इसमें आपको डाउट आ गया तो ऐसा हो सकता है कब हो सकता है जब आपको पता लगे कि जो आप ऑडिट कर रहे हो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो उनके बन उनको बनाने वाले लोगों पर ही आपको विश्वास नहीं है उनकी इंटीग्रिटी पर ही आपको विश्वास नहीं है मैं ये जो थोड़ा जोर दे दे देकर वर्ड्स बोल रही हूँ दैट आर द की वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए सो so, जहाँ पर भी मैं इंग्लिश के ये की थोड़ा सा टोन uh, चेंज करके बोल रही हूँ द रीज़न बींग कि आपको की याद हो जाएँ क्योंकि सेंटेंसेज याद नहीं करने होते सेंटेंसेज समझने होते हैं और की याद करने होते हैं सो so, यहाँ पर आपको इंटरनल कंट्रोल्स एज एन ऑडिटर आपको इंटरनल कंट्रोल्स uh, समझने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो ऑडिट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऑडिट एबिलिटी रहती भी है या नहीं रहती है इस बात पर ही डाउट हो गया ऐसा क्यों हुआ होगा जब आप बात एक बात बताओ अगर आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने गए हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट और टी की आपको मैनेजमेंट और टी की ही इंटीग्रिटी पर डाउट है इंटीग्रिटी पर डाउट है कि पता नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए हैं और ये जो इंटीग्रिटी uh, पे आपका जो डाउट है आपके कंसर्न्स हैं दिस इज सो सीरियस जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एंड ऑडिट तो नहीं किया जा सकता ठीक है दूसरा रीज़न क्या है कि आपको जो एंटिटी के रिकॉर्ड्स हैं रिकॉर्ड्स के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ये रिकॉर्ड्स की ही रिलायबिलिटी पर शक है पता नहीं रिलायबल है या नहीं इसी पर आपको कंसर्न्स रेज हो रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर पाओगे नहीं कर पाओगे हो सकता है ना ऑडिटर को लगे कि मैं इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर अपने सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑप्टेन नहीं कर पाऊंगा और अगर मैं सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑप्टेन नहीं कर पाऊंगा तो उस केस में मैं कंक्लूजन्स पर रीच नहीं कर पाऊंगी और कॉन्क्लूजन्स पर रीच नहीं कर पाऊंगी तो मैं ऑडिट ओपिनियन भी नहीं दे पाऊंगी इसीलिए हो सकता है ना कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में समझने पर ऐसा रियलाइज़ हो कि ऑडिट करना भी चाहिए या नहीं तो कौन से दो केसेस पहला मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर शक हो गया दूसरा जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी कंडीशंस और रिलाबलिटी को देखकर आपको थोड़ा सा डाउट हो गया कंसर्न रेज हो गया कि आप हो सकता है गलत ओपिनियन दे दो क्योंकि आप इन रिकॉर्ड्स के भरोसे सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज ऑप्टेन नहीं कर पाओगे राइट right. सो so, आपको ये समझ आ गया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी और असर्शन लेवल पर भी कि जब भी आप रिस्क ऑफ मटीरियल से स्टेटमेंट को असेस कर रहे होते हो दोनों लेवल्स पर तो क्या क्या होता है किस तरीके से होता है चलो वापस आ जाते हैं हम उन्हीं नोट्स पर उन्हीं पेज नंबर उसी पेज नंबर पर जिस पर हमने ये टॉपिक छोड़ा था यस सो हेयर इज़ अच्छा हमने ये दोनों तो कवर कर लिया अब बात आती है कि ये रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट हो ही क्यों रहा है तो असेसमेंट इसलिए हो रहा है जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनका नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या रखना चाहिए उसको डिटर्मिन करने के लिए असेसमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है अब आपको असर्शंस तीन लेवल्स पर या फिर uh, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्कलोजर्स के लिए चेक करनी होती हैं राइट right? तो इन पर आपको फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्या क्या चीज़ें इवेलुएट करने की रिक्वायरमेंट है एंड वॉट आर दी असर्शन यू नीड टू इवेलुएट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट बैलेंसेज एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्कलोजर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप नाउ सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स की ट्रांजेक्शन के केस में आपको पाँच चीज़ों को इवेलुएट करना है फर्स्ट थिंग इज़ दी अक्रेंस क्या ये ट्रांजेक्शन हुई भी थी अच्छा हुई थी बट क्या ये ट्रांजेक्शन कम्प्लीट है अच्छा क्या ये ट्रांजेक्शन जो दी हुई है रिकॉर्ड हुई है क्या ये सही है एक्यूरेट है दिस यू नीड टू सी ऑल्सो कट ऑफ कट ऑफ का मतलब होता है जिस अकाउंटिंग पीरियड को ये रिलेट करती है क्या उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपने इसको डाला है ऐसा तो नहीं है एक दूसरे अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजेक्शन है दूसरे में उसको शो कर रहे हो नहीं सो दिस यू नीड टू सी कट ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा होना था वैसे इस ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू एवेलोएट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन वॉट आर दी असर्शन की अकरेंस कंप्लीटनेस accuracy कट ऑफ classifications, सो so, assertions का मतलब आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब मैं एक पर्टिकुलर transaction अकाउंट बैलेंस और disclosure की बात कर रही हूँ तो उस पर्टिकुलर transaction अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर की अकरेंस हुई है नहीं क्या वो कंप्लीट है असर्शंस का मतलब हो गया ये चीज़ें जैसे कि अकर हुआ है या नहीं हुआ भी है या नहीं ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ये अकाउंट बैलेंसेस ये डिस्क्लोजर्स ये कोई भी इनकी आ, कंप्लीटनेस है या नहीं एक्यूरेसी है या नहीं क्लासीफिकेशन जै, जैसे जैसे होना चाहिए था वैसे हुआ है नहीं हुआ है वैल्यूएशन जैसे होना था वैसे हुआ है नहीं हुआ है तो इसको हम असर्शंस बोलते हैं इन्हीं इन्हीं टर्म्स को हम असर्शंस बोलते हैं ठीक है अब मैं बात करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट बैलेंसेस तो पहला हमने क्या किया ट्रांजेक्शन्स कितने पॉइंट्स फाइव एक्यूरेंस कम्प्लीटनेस एक्यूरेसी कट ऑफ एंड क्लासीफिकेशन नेक्स्ट वन इज़ अकाउंट बैलेंसेस अकाउंट बैलेंसेज में वी हैव फोर फर्स्ट इज़ एग्जिस्टेंस सेकेंड इज़ राइट्स एंड ऑब्लीगेशंस थर्ड इज़ कम्प्लीटनेस फोर्थ फन इज़ वैल्युएशन एंड आलोकेशन एग्जिस्टेंस तो हमें समझ आ गया एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही होगी तो उसमें किसी के ऊपर राइट आ रहा होगा किसी के पास राइट आ रहा होगा और किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही होगी सो so, देखो किसकी राइट है और किसका ऑब्लिगेशन है देखो कि वो पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस कम्प्लीट है या नहीं ऐसा तो नहीं entries है इनकम्प्लीट एंट्रीज हुई रखी हैं उसमें देखो कि जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड होना था जिस वैल्यू पर अकाउंट बैलेंस आना चाहिए था क्या उसी वैल्यू पर है या नहीं जैसे आलोकशन करने की रिक्वायरमेंट थी वैसे हुई है या नहीं फिर देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू तो डिस्क्लोजर्स कि जो जो डिस्क्लोजर्स करने थे किए हैं नहीं कहे जो किए हैं वो एक्चुअल में अकर भी हुए थे या नहीं हुए थे किसकी राइट्स थी किसकी ऑब्लिगेशंस थी क्या ये डिस्क्लोजर कंप्लीट है इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर तो नहीं किया हुआ क्लासिफिकेशन सही से किया है नहीं किया क्या जो डिस्क्लोजर किया है वो किसी की समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है अंडरस्टैंडेबल डिस्क्लोजर होना चाहिए नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं है डिस्क्लोजर करने का सर so, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी देखना पड़ेगा एक्यूरेट है या नहीं देखना पड़ेगा जो वैल्यू डिस्क्लोज की है वो वैल्यू डिस्क्लोज करने करी है वो सही है या भाई नहीं कैसे वैल्यूएशन किया है दैट यू नीड टू चेक सो दीज आर दी असर्शन टू बी विद रिस्पेक्ट थिंग्स ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है वन टू थ्री स्टेप्स होंगे स्टेजेस होंगे राइट सो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस क्या है ये प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से आता है क्यों क्योंकि इसके जो हमने ऐसे का नाम पढ़ा ना उसने सारे आंसर्स हमें अपने आप ही दे दिए अब हमें पता है कि हम पहले ये करते हैं इसके बाद ये करते हैं इसके बाद ये करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है ठीक है तो अब इसी रिज़ल्ट को जो आपको पता है मैं बस रिपीट करने वाली हूँ मुझे पता है आपको ये अच्छे से पता है कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है पहला हमने क्या किया था एंटिटी को समझा था उसके एनवायरनमेंट को समझा था और उसके बेसिस पर रिस्क को आइडेंटिफाई किया था आइडेंटिफ़ाई करने के बाद सिर्फ वहीं तक रुकना था या फिर उनको असेस करना था असेस करना था तो उन आइडेंटिफाइड रिस्क को जो हमने स्टेज वन में निकाले हैं हमने उनको असेस किया और देखा कि क्या ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परवेसिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ठीक है फिर हमने क्या किया इन जो भी हमारे रिलेटेड थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिस्क थे हमने क्या किया हमने देखा कि क्या ये असरशन लेवल पर एसर्शन लेवल पर क्या ये आ, कुछ भी ऐसा है कि जो गलत हो सकता है बेसिकली मिस स्टेटमेंट हो सकती है देखोगे कि मिस स्टेटमेंट हो सकती है तो मिस स्टेटमेंट के होने के चांसेस कितने हैं क्योंकि ये पता चल गया मिस स्टेटमेंट हो सकती है लेकिन होने के चांसेस कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा ना कि हुई भी होगी या नहीं कितने चांसेज हैं होने के सो इसीलिए रिस्क असैसमेंट प्रोसेस में देर आर फोर स्टेजेस फर्स्ट स्टेज इज टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कैसे करोगे बाई अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट सेकेंडली यू हैव टू असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड डिटर्मिन वेदर द रिस्क रिलेट्स परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलेट करेगा तभी आपको आगे बढ़ने की जरूरत है अगर एव वही हैं और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर अफेक्ट नहीं कर रहा असर्शन लेवल पर अफेक्ट नहीं कर रहा तो हो सकता है ना आपको उसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑर्डिट कर रहे हो ठीक है अब आपने असेस कर लिया नाउ यू हैव टू रिलेट इट कि इस आइडेंटिफाइड रिस्क को असर्शन लेवल पर रिलेट करके देखो कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं फिर देखो ये मिस स्टेटमेंट के होने के चांसेस कितने हैं सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग सेकेंड इज असेसिंग थर्ड वन इज़ रिलेटिंग इट एट दसर्शन लेवल एंड फोर्थ वन इज़ दाइटलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन द फैंशियल स्टेटमेंट्स सो ये तो बहुत ही ईजी था है ना क्योंकि हमें सब कुछ पता था इसके बारे में हम ऑलरेडी ये चीज़ें बार बार पढ़ चुके हैं राइट right. अब आ जाते हैं ऐसे कौन से जहाँ पर स्पेशल कंसड्रेश की रिक्वायरमेंट आती है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा कि ये रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं ये कैसे बताएगा ऑडिटर उसको कुछ नहीं है अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं सो so, ये चीज़ जजमेंट अप्लाई करके ही बताई जा सकती है तो ऑडिटर को ये जजमेंट अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको वो कंसिडर कर सकता है टू मेक अ जजमेंट क्या क्या चीज़ें पहला देखो कि जो रिस्क है क्या ये रिस्क से फ्रॉड हो सकता है या फ्रॉड की वजह से हो रहा है ये फ्रॉड का रिस्क है रिस्क ऑफ फ्रॉड है, है तो देखो रिस्क ज़्यादा है तो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा ठीक है सेकेंड आप क्या चेक कर सकते हो पॉइंट सेकेंड आप चेक कर सकते हो कि ये जो अभी रिसेंटली कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स की गई हैं इन दी अकाउंटिंग और इन इकोनॉमिक और अदर कोई भी डेवलपमेंट्स की गई हैं उनकी वजह से कोई रिस्क का हो सकता है हो सकता है ना कुछ अभी रिसेंटली चेंजेस करें तो रिसेंट चेंजेस को तो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता होता है क्यों क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क ऑफ फ्रॉड हो आपका कुछ ना कुछ रिस्क ऑफ़ एरर्स हो तो ये आपको देखने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी दूसरा आप देखो कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स होती है तो हमें उसे समझना पड़ता है नहीं तो गड़बड़ हो सकती है रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी ट्रांजेक्शन के बेसिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो सिग्निफिकेंट है या नहीं ऑल्सो देखो कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है इसमें ट्रांजेक्शन uh, किसके साथ हो रही है क्या ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किसी रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है अगर हाँ तो देखो हाई चांसेस ऑफ रिस्क हैं रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन होने पर तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा और देखो कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है इसकी मेजरमेंट कैसे हुई है जजमेंट बेस्ड है एस्टिमेट्स बेस्ड है कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है इसकी मेजरमेंट में देर आर हाई रिस्क हाई चांसेस ऑफ रिस्क तो ये भी आपको देखने एक पॉइंट बन सकता है फॉर योर कंसिड्रेशन दूसरा आपकी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आ रही है ऑडिट करते टाइम आपको मिली जो कि अनयूजुअल है हमेशा ऐसी नहीं होती तो उस केस में भी आपका रिस्क आपको डिटरमिन करना पड़ेगा सो so ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो जहाँ पर आपको एज एन ऑडिटर जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं ये जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं सो so ये आपको जजमेंट बेस्ड होता है इसके लिए आप पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो ठीक है अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज़ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल कहाँ से आ गया हमने पढ़ा था ना कि आपको अंडरस्टैंड करना है इंटीटी को उसके इन्वायरमेंट को इंक्लूडिंग दी इंटरनल कंट्रोल्स तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल्स कुछ नहीं होते वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स होती हैं जिसको मैनेजमेंट टी ने बनाया होता है किस लिए बनाया होता है जिससे कि उनको एक रीजनेबल अश्योरेंस मिल पाए कि जो उनकी कंपनी के उनके एंटिटी के विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव कर पाएँ क्योंकि हो सकता है ना अगर हमने कोई विशन मिशन ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है सबको हमने कम्युनिकेट कर दिया सब उसकी तरफ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग फ्रॉड्स कर रहे हैं कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्टिव के पास नहीं दूर जा रहे हैं तो इसको इंश्योर करने के लिए एंटिटी क्या करेगी एंटिटी के अंदर पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे कि इस चीज़ को एटलीस्ट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट रीज़नेबल अश्योरेंस तो मिल पाए ना कि हाँ काम सही से हो रहा है एंड टवर्ड्स तो दी ऑब्जेक्टिवज ही हो रहा है सो so ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स जिनको डिज़ाइन किया जाता है पहले फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर से इम्प्लीमेंट करके छोड़ नहीं देते उसको मेंटेन करते हैं कौन मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी या फिर कोई भी पर्सनल्स किस लिए जिससे कि उन्हें एक रीज़नेबल अश्योरेंस मिल पाए कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या हो पाएंगे अच्छा एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी तो उसके बेसिस पर आप कितने गलत गलत डिसीजनस ले लोगे दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो वो काफ़ी रिलायबल हो तो ये एक एंटिटी का ऑब्जेक्टिव होता है दूसरा कि जो भी लॉज रेगुलेशन हैं जो कि कम्प्लाई करने हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी को उनका कम्प्लायंस सही से हो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए एंटिटी ऑल्सो जो का इस, ये एंटिटी के एसेट्स हैं उन सभी को सेफ गार्ड कर पाए ऐसा ना हो एसेट्स खरीद रहे हैं और फिर बेकार होते जा रहे हैं डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं सेफ गार्डिंग करना बहुत ज़रूरी है लोग चोरी कर रहे हैं गायब दिस विल नॉट हेल्प सो इस रिस्पेक्ट में और आपके जो भी फ्रॉड्स एरर्स होने के चांसेस होते हैं उनको प्रिवेंट कर पाए और प्रिवेंट नहीं कर पाया तो अगर हो गई हैं फ्रॉड एरर्स तो उनको डिटेक्ट करके करेक्ट कर पाए सो so, ये सारे आपके क्या होते हैं रीज़नेबल अश्योरेंस ऑप्टेन करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जहाँ पर एंटिटी चाहेगी कि वो रीज़नेबली अश्योर्ड रहे और उसके लिए वो क्या करेगी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को डिसाइन करेगी इम्प्लीमेंट करेगी और मैनेज करेगी राइट अब आ जाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के कॉम्पोनेंट्स पर सो so, अगर मैं इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसको मैंने डिटेल में एंड ऑफ दिस दीज नोट्स पर दिया हुआ है अभी हम सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं नाम पढ़ने के बाद हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सो so, नाम क्या क्या है पहला टोटल हमारे पास कितने हैं फाइव फाइव कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या पहला कंट्रोल एनवायरमेंट सेकेंड इंफॉर्मेशन सिस्टम थर्ड कंट्रोल एक्टिविटीज़ रेलिवेंट टू ऑडिट फोर्थ एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड फिफ्थ इज़ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करा मॉनिटर नहीं किया तो कितने टाइम तक सही चलेगा पता नहीं तो इसीलिए मॉनिटर करना भी ज़रूरी है और ये वन ऑफ द कंपोनेंट्स है ऑफ़ दी इंटरनल कंट्रोल्स आ जाइए नोट्स में नोट्स के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का एक टॉपिक दिया हुआ है उसको करते हैं फ़र्स्ट हमारा जो कंपोनेंट था वो था कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल एनवायरनमेंट होता क्या है अगर आपको एलिमेंट समझ आ जाएंगे तो आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने आप ही समझ आ जाएगा कंट्रोल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट से क्या समझ आता है कि जहाँ पर काम हो रहा है वो लोकेशन पर वो एरिया कैसा है वहाँ का एंटिटी का विद इन द एंटिटी सराउंडिंग्स कैसी हैं सो so, आप जो भी एन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं मैनेजमेंट को टी सी डब्ल्यू जी को फॉलो करते हैं जैसा वो लोग काम कर रहे होते हैं जैसी एन की पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स होते हैं उस हिसाब से लोग काम करते हैं सो so, जो भी एन की इंटीग्रिटी है एथिकल वैल्यूज़ हैं इन सभी को कम्युनिकेट करना चाहिए और ना ही सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहिए बट इनफोर्स भी कराना चाहिए सो so ये एक आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा अगर एंटिटी के अंदर एथिकल वैल्यूज़ फॉलो हो रही हैं इंटीग्रिटी से काम हो रहा है सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट दूसरा कॉम्पिटेंस से कमिटमेंट कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड एंड अट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस सो कमिटमेंट होनी चाहिए टू कॉम्पिटेंस कि आप कॉम्पिटेंसी के हिसाब से ही काम करोगे और बहुत अच्छे से काम करोगे इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज़ ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्यों क्योंकि ये आपका एक कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज भी अच्छे होंगे और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रैटीज़ हैं वो अचीव हो पाएंगी दूसरा है पार्टिसिपेशन बाई टी सी डब्ल्यू जी जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना इफेक्ट अच्छा आएगा मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है किस तरीके से काम करते हैं ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कौन अथॉरिटी किसके पास अथॉरिटी है किसके पास कौन रिस्पॉन्सिटी होल्ड करता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होम दैट इज दैट शुड बी वेरी वेल असाइंड राइट ह्यूमन रिसोर्सिस की पॉलिसीज़ क्या हैं प्रैक्टिस क्या हैं वो सभी एक एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं एलिमेंट बनते हैं ठीक है दूसरा कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो भी अपने रिस्क हैं उसको किस तरीके से मैनेज करे उसका एक बेसिस बनते हैं क्यों क्योंकि पता चलता है ना अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे रिस्क को असेस करने में तो हमें पता चल जाएगा कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है अगर आपका जो प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट है एक पर्टिकुलर सबकमस्टेंस पर ऑन द बेसिस आप देख सकते हो नेचर क्या है साइज क्या है एंटिटी का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है उसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी एंटिटी के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं उस पर्टिकुलर सरकमस्टेंस के अंदर इससे क्या होता है ऑडिटर को भी हेल्प होती है वो रफ़ मटीरियल में से स्टेटमेंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाता है असेस कर पाता है कि ठीक है या नहीं तो असेसमेंट करने के लिए फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग सो अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग हो पाती है बिकॉज ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा अब आ जाते हैं कुछ सरकमस्टांसिस जिसकी वजह से जो रिस्क है वो बढ़ सकता है या राइज़ हो सकता है या कम हो सकता है सो बेसिकली अराइज हो सकता है या चेंज हो सकता है रिस्क कौन से सरकमस्टांसिस में जैसे कि आपका जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो या आपका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ गए तो उसकी वजह से हो सकता है ना रिस्क भी चेंज हो जाए बिल्कुल हो सकता है नए पर्सनल्स को आपने रिक्रूट किया है अपॉइंट किया है जिसकी वजह से हो सकता है ना रिस्क बढ़ जाए क्यों क्योंकि वो नया है हो सकता है गलतियाँ ज़्यादा करे उसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सभी क्या होते हैं कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें रिस्क का राइज या फिर चेंज हो सकता है तीसरा नए इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लगाए हैं आपने एंटिटी के अंदर नए नए इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाए हैं तो हो सकता है ना प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए हो सकता है आपकी एंटिटी ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने का सोच रही है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोच रही है हो सकता है ना उसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क अराइज हो जाए क्योंकि एक्सपेंशन कर रहे हो तो न्यू थिंग्स न्यू थिंग्स मतलब रिस्क इन ऑल्सो कंपनी हो सकता है ना अपने जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व करना चाहती है इंट्रोड्यूस करना चाहती है जिससे काम अच्छे से हो लेकिन इंट्रोड्यूस अगर कोई नई चीज़ करते हैं तो देर आर हाई चांसेस ऑफ़ रिस्क कि कुछ ना कुछ गलती हो सकती है तो रिस्क आपका राइज हो सकता है चेंज हो सकता है इस केस में कुछ नई चीज़ें आने से अराइज़ हो सकता है रिस्क हो सकता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही हैं हो सकता है आप फॉरन ऑपरेशन को एक्वायर करने का सोच रहे हो एक्सपैंड कर रहे हो हो सकता है नई नई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रहे हो चेंजेस कर रहे हो इसकी वजह से रिस्क बिल्कुल बढ़ सकता है आपको देखना पड़ेगा रीजनस क्या हैं फॉर दीज चेंजेस सो ये सभी से चांसेज आपके रिस्क को अरइज करती हैं या फिर चेंज करती हैं क्या क्या बोला मैंने फर्स्ट इज़ चेंजेस इन रेगुलेटरी और ऑपरेटिंग एनवायरमेंट recruitment of new personnel new or revamped information systems significant and rapid expansion of operations incorporating new technologies into production process entering into the business areas or transaction with which an entity has little experience corporate restructurings expansion or acquisition of foreign operations

क्यों क्योंकि आपको तो देखना है ना कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही से प्रोसेस हुई है नहीं हुई है तो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसी अकाउंटिंग सिस्टम देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो होता है रिकॉर्ड्स किस तरीके से एंटर होते हैं प्रोसेस होते हैं और फिर किस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आती है तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो इनकरेक्टली प्रोसेस की जा रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम देखना पड़ेगा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा नहीं कर रहा होगा तो आपका अगर इनपुट गलत जा रहा होगा तो आपका आउटपुट गलत होगा इनपुट सही जा रहा है बट प्रोसेसिंग गलत हो रही है तो भी गलत आउटपुट निकलेगा सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू सी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है जो भी प्रोसेस हैं अकाउंट्स हैं वो आपके कंट्रोल्स को ही बाईपास कर रहे हैं ओवर कर रहे हैं कंट्रोल्स तो कंट्रोल्स हैं उन के बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए आपको चेक करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग हो रही है वो सही से पर्टिक, उसी पर्टिकुलर लेजर के अंदर हो रही है नहीं हो रही है पोस्टिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है जिसमें उसको एक्चुअली होना चाहिए देखना पड़ेगा ना ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रांज़ेक्शन के लिए आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आता या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती वो बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स और कंडीशंस आकर होते हैं फॉर एग्जांपल डिप्रिसशन डिप्रिसिएशन वियर एंड टीयर की वजह से होता है एंड इट इज़ नॉट बिकॉज आपके पास कोई इन्वॉइस आया है जो आपको बुक करना है तो इनको भी सही से इंफॉर्मेशन इन इन पर्टिकुलर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी सही से कैप्चर हो पा रही है नहीं हो पा रही दैट यू नीड टू चेक आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है जिसको डिसक्लोज करने की रिक्वायरमेंट है एज पर दी एप्लीकेबल एफ आर एफ वो सही से रिकॉर्ड हो रही है प्रोसेस हो रही है और अगर समरी फॉर्म में देनी है तो समराइज़ हो रही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट करना वो वैसे ही रिपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपको इन सभी चीज़ों को करने वाले इन्फॉमेशन सिस्टम्स को भी देखना पड़ेगा इंश्योर करना पड़ेगा कि कम्पोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट्स हैं तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सही से काम कर रहे हैं या नहीं फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर विच इज़ नेक्स्ट कॉम्पोनेंट विच इज़ कंट्रोल एक्टिविटीज़ रेलिवेंट टू ऑडिट सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होते हैं तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ वो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स होती हैं जिससे कि जो मैनेजमेंट चाहती है वो मैनेजमेंट जो चाह रही है उनको कंट्रोल कैसे कर पाए और उनको एश्योर कैसे कर पाए कि वो हो रहे हैं नहीं हो पा रहे चेक कैसे करें बेसिकली तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ जिससे कि कंट्रोल एक्सरसाइज हो पाए तो कैसी हो सकती हैं रिव्यूज़ करना जैसा काम बोला था परफॉर्मेंस वैसी ही है या नहीं इस चीज़ को रिव्यू करना इन्फॉमेशन की प्रोसेसिंग वैसे हो रही या नहीं हो रही है इस चीज़ को इंश्योर करना फ़िज़िकल कंट्रोल्स भी एक्सरसाइज कर सकती है ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करके भी अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एक्टिविटीज़ को एम्प्लॉय uh, कर सकती है फॉर एग्ज़ाम्प एक पर्टिकुलर काम दो लोगों में डिवाइडेड है और बता रखा है कि ये चीज़ ये बंदा करेगा और दूसरा बंदा दूसरा काम करेगा तो दर इज सेग्रीगेशन ऑफ़ ड्यूटीज़ एक्सेस लिमिटेड दे रखा है पता होगा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम एरर या फ्रॉड इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पता चल जाएगा इसी ने किया है क्योंकि इसी के पास एक्सेस था अथॉरिटी थी सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कर देना ये सभी आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं लास्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आ जाता है uh, कॉम्पोनेट विच इज़ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे कि आप चेक कर पाओ कि जो आपकी इंटरनल कंट्रोल की परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव है भी या जो इंटरनल कंट्रोल्स आपने डिज़ाइन करें इम्प्लीमेंट करें वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को एफिशिएंसी को एंड आपको देखना पड़ेगा अगर कुछ गलतियां हैं कुछ एरर्स हो रहे हैं तो उनको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो राइट right. सो so, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा और ये कॉम्पोनेंट होता है इंटरनल कंट्रोल का तो डेफिनेटली विल चेक जब आप इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर रहे होगे अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है हमारा रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज बाय आई ये रहा तो हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है ऐसे कौन से कौन से रिस्क हैं जो इंटरनल कंट्रोल्स में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होने की वजह से ऐसे कौन से रिस्क हैं जो आ जाते हैं देखो सबसे पहला रिस्क तो ये है कि जिस भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हो आप किसी सिस्टम पर यूज़ कर रहे होगे कोई प्रोग्राम होगा अब वो सिस्टम और प्रोग्राम कितना रिलायबल है कि वो एक्ट प्रोसेसिंग ही कर रहा है या जो प्रोसेसिंग हो रही है डेटा की वो एक्ूरेट है या जो डेटा आ रहा है दैट इज़ करेक्ट सो इस चीज़ को के ऊपर रिलाई करने के लिए एक रिस्क है कहीं ना कहीं रिलायंस पर रिस्क है कि ये सही से प्रोसेसिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है तो ये एक हमारा रिस्क हो जाता है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे इंटरनल कंट्रोल्स पर रिस्क आ जाता है दूसरा है कि इस डेटा को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं हो सकता है ना जो अनऑथराइज लोग हैं वो इसका एक्सेस कर लें और उसकी वजह से आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए जो चेंजेस डेटा के अंदर हो रहे हैं वो गलत चेंजेस करके चला जाए हो सकता है कुछ अनऑथराइज नॉन एक्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दे या जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो रही है वो इनकरेक्ट तरीके से हो जाए इन एक्ूरेट वे से हो जाए सो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं कुछ रिस्क हैं इंटरनल कंट्रोल्स पर अच्छा अब इन रिस्क की वजह से क्या होगा हो सकता है ना एक डेटा है एक डेटा के अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं बहुत लोग काम कर रहे हैं तो बहुत लोगों के पास एक्सेस हो गया बहुत लोगों के पास एक्सेस हो गया तो देर इज़ हाई चांस कि अनऑथराइज एक्सेस कोई ले ले किसी डेटा का और गलत गलत चेंजेस कर दे तो ये हमारा एक रिस्क है मेजर रिस्क है तीसरा जो आई टी पर्सनल्स होते हैं उनके पास सारे के सारे कंट्रोल्स होते हैं कि तरीके से क्या चीज़ छेड़नी है ठीक करनी है तो हो सकता है ना उनके पास जितना एक्सेस होना चाहिए उससे ज़्यादा का एक्सेस आगे आ जाए क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज है तो जो चीज़ें जिसको करने की ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा वो करने लग जाए अपनी ड्यूटीज़ के बियॉन्ड जाने लग जाए और सेग्रीगेशन ऑफ़ ड्यूटीज़ जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से काम अच्छे से हो उसको ब्रेक कर दे उसको हैम्पर कर दे तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है आई टी पर्सनल्स की आ, का अनड्यू एडवांटेज उनको अन ड्यू एडवाटेज मिलता है अच्छा और डेटा जो मास्टर फाइल्स में सेव्ड है जो मास्टर माना जाता है मतलब बिल्कुल प्राइमरी डेटा है उसी में अनऑथराइज चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम्स प्रोग्राम्स जो बने हुए हैं उसी में गलत गलत चेंजेस किए जा रहे हैं जो चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी उन चेंजेस को तो कर नहीं रही अनऑथराइज चेंजेस किए जा रहे हैं सो ये सभी हमारे रिस्क हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अप्लाइंग इन्फॉमेशन टेक्नोलॉजी टू दी और एंटरटी जिसकी वजह से कुछ इंटरनल कंट्रोल्स पर रिस्क आ जाती है ऑल्सो मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा बेकार में करना भी सही नहीं होता हो सकता है कुछ डेटा आप नहीं रिट्रीव कर पाओ आपकी डेटा सिक्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से डेटा लूज़ हो गया लूज़ हो गया और आप उसको रिटरीव रिट्रीव भी नहीं कर पा रहे सो so, हो सकता है ना ये बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाए आपके लिए क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स ही गायब हो जाएँ तो ये सभी रिस्क होते हैं टू दी इंटरनल कंट्रोल विच आर इम्पोज बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट से फर्स्ट वॉज रिलायंस ऑन दिस्टम्स और प्रोग्राम्स सेकेंड वन वॉज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द डेटा एंड थर्ड वन वॉज आई टी पर्सनल की एक्सेस 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 मिल जाना और अनऑथराइज चेंजेस कर रहे हैं डेटा में प्रोग्राम्स में सिस्टम्स में जो चेंजेस करने थे वो नहीं किए या फिर मैनुअल इंटरवेंशन बहुत अप्रोप्रिएट है या फिर लॉस ऑफ डेटा सो ये सभी पॉइंट्स क्या हैं हमारे रिस्क टू आईसी आईसी मतलब इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज बाई द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो या दिस इज ऑल अबाउट एस ए वी हैव कवर्ड दुल एस ए इन फुल डिटेल If you already know this essay very well and you just want to revise this one, so you can use these uh, speed options very wisely. You can increase the speed of this video and just revise the full essay quickly in a very short span of time. I myself do the same because I have already revised this and just want to go through it once again. So, what I do is I just increase the speed. And listen to it once. So, this is really helpful when we have to revise such topics. So, yeah, thank you guys. and This is all for today. And thank you so much for watching my videos and appreciating my efforts. So, I'll be back with another video. So, until then, stay safe, stay healthy, and I'll be back soon. Ha, one more अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू हैव डन इट गेट ऑल्सो आपकी कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैम इन दी अपकमिंग वीडियोज़ सो या दैट्स ऑल बाय